तो ये तीन चीजें समझ बहुत जरूरी है जब मैं तेरे को हायरार्की के बारे में स्पिरिचुअल या फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। क्योंकि अगर जब तू स्पिरिचुअल या फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव समझ लेगा तो जो ऊंच नीच का वैल्यू सिस्टम है जो हम लोगों को असाइन करते हैं वो तेरे को असर करना बंद कर देगा, ठीक है? और तू अपने एनिमल ब्रेन से ऑपरेट करना बंद कर देगा जहाँ पे इनसिक्योरिटी एंग्जाइटी ये सारी चीजें आती हैं तंग करने के लिए, ठीक है? तो सेकंड चैलेंज जो तेरा है उसमें एक हो गया जो हमने कोर्सेज की बात करी कि प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस जो तूने ऑलरेडी अप्लाई करी है उनको तू अगर और अप्लाई करेगा तो अगर 3 लोगों में तेरी इतनी फटी तो 30 लोगों में तेरी और कम फटेगी। 300 जब हो जाएंगे 1-2 साल में प्रैक्टिस तो ऑलमोस्ट गायब ही हो जाएगी फटना, ठीक है? तो ये दूसरी चीज हो गई, पहला था हायरार्की उसको समझना, दूसरा हो गया कोर्सेज के प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस वगैरह, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, जैसे ना, एक मिनट ये समराइज करने दे मुझे, और ओके तीसरा ओके है ओके जो मैंने बोला कि फॉर क्रिएटिंग अ नेटवर्क एंड फाइंडिंग पीपल सोशल मीडिया हो गया, फ्री मैन ब्रदरहुड हो गया, ऐसे टाइप के कम्युनिटीज एग्जिस्ट करते हैं। तो ये तीन चीजें थी मेरी टू एड्रेस योर सेकेंड कंसर्न विच वॉज के मैं ऐसे टाइप का नेटवर्क कैसे क्रिएट करूँ। अब बोल जो तू बोल रहा है। तो सर, जैसे मैं मतलब अलग अलग बंदों से बात कर रहा हूँ, कोई भी स्ट्रेंजर चल रहा है, जैसे कोई सड़क, मैंने सड़क में भी बात करी हुई किसी से, बट मुझे वो बहुत स्ट्रेंज लगा था एज कम्पेयर टू कि मैं कहीं पर्टिकुलर सेटअप में कर रहा हूँ, कहीं किसी क्लब या फिर मतलब ऐसा कुछ हो रेस्टोरेंट में कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को स्ट्रेंज जो सड़क पे ऐसे बात करना वो बड़ा अजीब लग रहा था। तो उसके लिए मतलब वो कोई गलत चीज है क्या कि सड़क पे एकदम से कोई बात करने मतलब शुरू हो जाए, यार तुम मतलब सड़क मुझे पे ऐसा लगा कि वो वो इंसान ले लो जो हाँ भिखारी है और भिखारी ट्रैफिक सिग्नल पे सड़क पे कुछ भी नहीं होते हुए जीरो, मतलब हायरार्कियल साइंटिफिक सिस्टम में जीरो होते हुए वो आके फिर भी तुमसे बात करता है, तो जब उसको फर्क नहीं पड़ता तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है? तुम कुछ गलत काम नहीं कर रहे, नंबर वन। नंबर टू, तुम्हारा इंटेंशन गलत नहीं है, ठीक है? तुम्हारा इंटेंशन पॉजिटिव है, तुम किसी के लाइफ में, और मैं ये भी बोलता हूँ कि वैल्यू दो उस इंसान को, तो जब तुम उससे बात वैल्यू कर रहे हो तो मेरी उसको कुछ वही रहती है पॉजिटिव कि मैं किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करूं और जो उसकी वैल्यूज है उससे मतलब हम कनेक्ट कर पाए और एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कर पाए। तो जब तुम उसे मिल रहे हो तुम उसे उसको किसी चीज के ऊपर छोटा सा कॉम्प्लीमेंट दे दो, उसको कोई अच्छी बात सुना दो, उसको बोल दो आपकी स्माइल बड़ी अच्छी है, आपको देख के दिल खुश हो गया, ऐसी कोई चीज सिंसेरली जो तुम्हारे अंदर से आए। कि किसी आदमी को तुम मिले हो उसका हेयर स्टाइल बड़ा सही है तो उसको उसके ऊपर तारीफ कर दो, किसी लड़की को तुम मिले हो जिसकी स्माइल बड़ी अच्छी है उसको तुम उसके ऊपर तारीफ कर दो, क्योंकि वो नॉन थ्रेटनिंग तरीका होता है किसी की तारीफ करने का। अगर तुम लड़की को सेक्सुअल तरीके से तारीफ करने की कोशिश करोगे तो उसको लगेगा कि तुम उससे कुछ चाहते हो और फिर वो अपने डिफेंसिव स्टांस पे आ जाएगी और गार्डेड हो जाएगी, ठीक है? तो जो तेरा क्वेश्चन था कि सड़क पे करना ये वो करना मुझे अजीब लगता है, वो तेरे को अजीब लगता है क्योंकि तेरे को आदत नहीं है। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कहीं भी, चाहे खेत में हो या गांव में हो या कहीं भी हो, मैं दोस्ती बना लेता हूँ किसी के साथ भी, क्योंकि मेरे को अपने एनवायरनमेंट से असर नहीं होता है। मतलब मैं ये नहीं सोचता हूँ कि अगर मैं सड़क पे हूँ तो मुझे अलग सड़क काल रहा होना है वर्सेज अगर मैं कैमरा के सामने हो तो अलग शरत काल रहा होना है, वर्सेस अगर मैं लड़की के सामने बात कर रहा हूँ तो अलग शरत काल रहा होना है। नहीं, मैं वही प्राणी हूँ, मैं वही आत्मा हूँ और मैं सृष्टि का पार्ट हूँ। मैं चाहे गांव में हूँ या शहर में हूँ, चाहे मैं 5-स्टार होटल में हूँ या सड़क के बगल में चाय पी रहा हूँ, वो सब मेरा नेचुरल एनवायरमेंट है और मैं अपने नेचुरल सेल्फ को ही रिप्रेजेंट करूंगा अपने नेचुरल एनवायरमेंट में। अगर तुम मेरे को उठा के मार्स पे डाल दो तो हाँ हो सकता है तब मैं थोड़ा हिल जाऊं, क्योंकि मेरे ऑर्गेनिज्म के लिए वो फिजियोलॉजिकली पूरा एनवायरनमेंट ही अलग है और वो अलग चैलेंजेस पोज करेगा अलग। लेकिन जब मैं धरती पे हूँ और जब मैं कुछ गलत नहीं करना चाहता हूँ किसी और के खिलाफ, तो क्यों मैं अनकंफर्टेबल हूँ कहीं पे कुछ भी करने से?